एनक्लेक्स बेस क्वेश्चन जो कि आपके सामने बताए जाएंगे, और वही बंदा इन क्वेश्चनों को देखे जो कि ये नॉर्थ साइड क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो। जिसको ये लगता हो कि मैं ये क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा वो कृपया करके ये वीडियो ना देखें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो नॉर्थ साइड लेवल के हैं। तो जो बंदा अभी भी ऐसे सोच रहा है कि मेरे को नॉर्थ साइड क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा तो वो कृपया करके ये वीडियो ना देखें, क्योंकि जो बंदा पहले ही सोच लेता है कि मेरे को नॉर्थ साइड क्वालिफाई नहीं होगा तो वो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। सो प्लीज़ कृपया करके वीडियो एंड तक देखें, और क्वेश्चन जो कि बहुत ही हेल्पफुल हैं नॉर्थ साइड 21 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जो पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के स्टेटमेंट दी हुई हैं, 4 स्टेटमेंट दी हुए हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है जो कि अपन को देखना है। ऑप्शन 1 है एलिवेटेड LH हार्मोन, ऑप्शन 2 है कैन कॉज इनफर्टिलिटी, ऑप्शन 3 है मे बी एसोसिएट विद द एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ऑप्शन 4 है रिजल्ट इन पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद सही तरीके से ऑप्शन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद अपन को करेक्ट आंसर देना है। जैसे ही क्वेश्चन पीसीओडी के बारे में पूछा गया है तो अपन को इमेजिनेशन करना है कि पीसीओडी डिजीज के अंदर क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अपन डिस्कस करते हैं ऑप्शन 1 के लिए। सबसे पहले अपन पीसीओडी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसे अपन स्टेन लेविथाई सिंड्रोम भी कहा जाता है। पीसीओडी जिसे अपन पीसीओएस भी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहा जाता है, ये मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज फीमेल, जो कि अफेक्टेड करता है 4-12% फीमेल को। अब इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, किस किस रिस्क फैक्टर के द्वारा हो सकता है, तो लो बर्थ वेट के अंदर हो सकता है। इसको एक नाम से भी जाना जाता है, स्टेन लेविथाइल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन बात करते हैं ऑप्शन 1 एलिवेटेड LH हार्मोन, जो कि इसके अंदर LH हार्मोन इंक्रीज होता है या नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, इसके अंदर LH हार्मोन क्या है, इंक्रीज होता है। ऑप्शन बी कैन कॉज इनफर्टिलिटी, तो इसके अंदर क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज ज़्यादा होता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी के चांसेस भी बनते हैं। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है, ऑप्शन सी मे बी एसोसिएट विद एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि ये भी करेक्ट माना गया है, क्योंकि ये इन पीसीओडी एसोसिएटेड विद ग्लूकोज टॉलरेंस होता है, जो कि ड्यू टू इंसुलिन रेसिस्टेंट के कारण। ऑप्शन डी जो कि दिया है रिजल्ट इन पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी, जो कि पूरी तरह से गलत सिद्ध होता है, डी स्टेटमेंट इज गलत। सो राइट आंसर इज डी, जो कि दिया है रिजल्ट इन पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी। पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीसीओडी, पीसीओडी का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी हो। रदर पीसीओएस या पीसीओडी लीड्स टू प्री टर्म लेबर, प्री टर्म लेबर को रिजल्ट भी करता है। सो राइट आंसर इज डी, रिजल्ट इन पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। द फॉलोइंग हार्मोन इज राइज्ड इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसे अपन पीसीओडी भी के नाम से भी जानते हैं, कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है। ऑप्शन ए है 17OH प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे कि अपन को क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया गया था कि इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन इंक्रीज होते हैं, सो राइट आंसर इज सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन को बताया गया था कि इसके अंदर LH हार्मोन है जो कि इंक्रीज होता है। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री पीसीओडी हार्मोनल स्टेटस, इसमें भी दोबारा से हार्मोनल स्टेटस पूछा गया है। सो ऑप्शन 1 LH डिक्रीज, जो कि बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी LH इंक्रीज, FSH नॉर्मल टू लो, ऑप्शन सी FSH इंक्रीज, ऑप्शन डी 17OH प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल, ऑप्शन ई टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज इज ग्रेटर देन 2 ng/mL। सो राइट आंसर इज बी, LH हार्मोन भी इंक्रीज होता है, FSH नॉर्मल टू लो हो सकता है। ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज इज ग्रेटर देन 2 ng/mL भी होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी भी राइट आंसर है, ऑप्शन ई भी राइट आंसर है, बिकॉज ये मल्टीपल्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर ट्रू अबाउट पीसीओडी, फिर से हार्मोन के बारे में पूछा गया है, कि पीसीओडी के अंदर सही ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन 1 इंक्रीज LH एंड डिक्रीज FSH, ऑप्शन बी इंक्रीज FSH एंड डिक्रीज LH, ऑप्शन सी इंक्रीज LH एंड डिक्रीज FSH, ऑप्शन डी हाइपर इंसुलिनेमिया,
ऑप्शन ई इंक्रीज TSH, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सो राइट आंसर ऑप्शन वन इंक्रीज LH एंड डिक्रीज FSH, और ऑप्शन डी भी राइट आंसर है, हाइपर इंसुलिन इमिया भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव। ऑल आर ट्रू अबाउट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एक्सेप्ट पूछा गया है। PCOD जो कि स्टेटमेंट दी हुए हैं उनमें एक्सेप्ट पूछा है, मतलब कि अपन को गलत ऑप्शन देखना है। टेस्टोस्टेरोन इज ग्रेटर देन 200 नैनोग्राम पर एमएल, ऑप्शन बी इनफर्टिलिटी, ऑप्शन सी हाई FSH या LH रेशो, ऑप्शन डी इंक्रीज इंसुलिन लेवल, ऑप्शन ई इंक्रीज ई टू एजेस्टेरोन इवन रेशियो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सो राइट आंसर इज ACE, ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन इज ग्रेटर देन 200 नैनोग्राम पर एम एल इज राइट आंसर, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के अंदर नहीं होता है। ऑप्शन सी हाई FSH LH रेशो, जो कि बिल्कुल ही सरासर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के अंदर गलत है। सो राइट आंसर सी भी होगा, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्ट पूछा गया है, और ऑप्शन ई भी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन 27 ईयर ओल्ड ओबेज वुमेन प्रेजेंटिंग विद ओलिगोमिनोरिया, इनफर्टिलिटी एंड हिर्जुटिज्म। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि वुमेन है जिसके अंदर कंप्लेंट है ओलिगोमिनोरिया, इनफर्टिलिटी एंड हिर्जुटिज्म, तो अपन को डायग्नोस क्या देना है। ऑप्शन वन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ऑप्शन बी एंडोमेट्राइटियोसिस, ऑप्शन सी पेल्विक इनफर्टिलिटी डिजीज, ऑप्शन डी टर्नर सिंड्रोम। जैसा कि अपन को बताया गया है कि अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं PCOD, तो जाहिर ही सी बात है आपका राइट आंसर भी PCOD होगा। सो ऑप्शन वन इज राइट आंसर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, बिकॉज यंग वुमेन प्रेजेंटिंग इन द थर्ड डेकेड विथ ओबेसिटी, जिसके अंदर ओलिगोमिनोरिया, इनफर्टिलिटी, हिर्जुटिज्म लीव्स नो डाउट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ PCOS या PCOD। सो राइट आंसर इज ऑप्शन वन इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन। इन PCOD सिम्टम्स एंड साइन आर सीन, PCOD के अंदर सिम्टम्स एंड साइन कौन कौन से देखने को मिलते हैं। एमनोरिया, एलोपेसिया, थीका सेल, हाइपरप्लेसिया, ऑप्शन डी हाइपर एंड्रोजिनिज्म, ऑप्शन ई इन एवोल्यूशन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सो राइट मोर देन वन ऑप्शन। सो राइट आंसर इज ABCDE, सारे ही ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि एमनोरिया भी पाया जाता है, एलोपेसिया भी पाया जाता है, थीका सेल, हाइपरप्लेसिया भी पाया जाता है, हाइपर एंड्रोजिनिज्म भी पाया जाता है, और एन एवोल्यूशन भी पाया जाता है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट इन PCOD सिम्टम्स एंड साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट। ए 28 ईयर ओल्ड लेडी रानी इज सस्पेक्टेड टू हैव पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, सैंपल फॉर टेस्टिंग LH एंड FSH आर टेकन ऑन द फॉलोइंग डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एक फीमेल है जिसको PCOD है, तो इसमें पूछा गया है कि अपन को सैंपल लेना टेस्टिंग के लिए, LH एंड FSH हार्मोन के लिए सैंपल कलेक्ट करना है। तो विच फॉलोइंग डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिस दिन अपन को सैंपल लेना होता है। ऑप्शन वन 1 to 4 days, ऑप्शन बी 8 to 10 days, ऑप्शन सी 13 to 15 days, ऑप्शन डी 24 to 26 days। करेक्ट आंसर कमेंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन वन 1 to 4 days, 1 to 4 days इज राइट आंसर, 1 to 4 days इज राइट आंसर। बिकॉज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन FSH हार्मोन एंड LH हार्मोन लेवल्स मे हेल्प टू कंट्रोल द डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, बिकॉज दे आर सेकेंड और थर्ड डे ऑफ साइकिल सही एसेस किया जाता है। टेस्टिंग फॉर LH एंड FSH हार्मोन के लिए 1 to 4 days इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। ट्रू अबाउट स्टेन लेवेंथाइन सिंड्रोम,
ऑप्शन वन ओलिगोमिनेरिया एंड एमनोरिया, ऑप्शन बी सीन इन पोस्ट मीनोपोजल वुमेन, ऑप्शन सी मिनरेट सिस्टीन ओवरी, ऑप्शन डी बीआरसीए फर्स्ट इज एसोसिएटेड, ऑप्शन ए थीका सेल हाइपरट्रॉफी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सो राइट आंसर इज ए सी ई। सो राइट आंसर इज ए सी ई, ए सी ई इज राइट आंसर। ओलिगोमिनेरिया एंड एमनोरिया इज राइट आंसर। एडमरेट सिस्टीन ओवरी इज राइट आंसर। थीका सेल हाइपरट्रॉफी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन। पीसीओडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन, पीसीओडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन। रिजुटेज सेकेंडरी एमनोरिया स्टिक ओवरीज एंड इंक्रीज एफ एस एस एल एच रेशो, ऑप्शन डी इंक्रीज एज स्ट्रॉन्ग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार में। नेक्स्ट आंसर है ए बी ई, ए बी ई। रिजुटेज भी पाया जाता है, सेकेंडरी एमनोरिया भी पाया जाता है एंड एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ाया हुआ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेवन, क्वेश्चन नंबर इलेवन, क्वेश्चन नंबर इलेवन। इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीन एक्सेप्ट, कौन सा ऑप्शन नहीं पाया जाता है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ऑप्शन बी इंक्रीज एफएसएस, ऑप्शन सी स्टिक ओवरीज, ऑप्शन डी इंसुलिन रेसिस्टेंट, ऑप्शन ई हिर्सुटिज्म। तो पॉलीसिस्टिक के अंदर अपन देखे जा रहे हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा पाया जाता है, इंक्रीज एफएसएच, स्टिक ओवरी, इंसुलिन रेसिस्टेंट, हिर्सुटिज्म। सो राइट आंसर इज बी एंड सी, राइट आंसर इज बी एंड सी। इंक्रीज एफएसएस नहीं पाया जाता है, स्टिक ओवरीज नहीं पाई जाती है। सो राइट आंसर इज बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व। ऑल आर ट्रू अबाउट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक्सेप्ट परसिस्टेंटली एलिवेटेड एचएस, ऑप्शन बी इंक्रीज एलएच एफएसएस रेशो, ऑप्शन सी इंक्रीज डिस, ऑप्शन डी इंक्रीज प्रोलैक्टिन। सो राइट आंसर इज डी, इंक्रीज प्रोलैक्टिन इज राइट आंसर बिकॉज इसके अंदर एक्सेप्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्टीन। द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ हिर्सुटिज्म ड्यू टू स्टेनलेवेंथाइल सिंड्रोम इज, ओ सी पी, एच एम जी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी स्पाइरोनोलैक्टोन, ऑप्शन डी ब्रोमोक्रिप्टिन। फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ हिर्सुटिज्म ड्यू टू स्टेनलेवेंथाइल सिंड्रोम के अंदर क्या मैनेजमेंट किया जाएगा, क्या मैनेजमेंट किया जाएगा। ऑप्शन वन इज राइट आंसर, ओ सी पी दिया, ओ सी पी दे देंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन। ट्रीटमेंट ऑफ हिर्सुटिज्म इन पी सी ओ डी ड्रग्स आर यूज, ड्रग्स आर यूज। ट्रीटमेंट ऑफ हिर्सुटिज्म इन पी सी ओ डी ड्रग्स आर यूज, मीनोपोजल, गोनोट्रोपिन, ऑप्शन बी जीनरेज, ऑप्शन सी स्पाइनोलैक्टोन, ऑप्शन डी एस सी जी। ऑप्शन बी एंड सी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी एंड सी इज राइट आंसर। जीएनआरएच एंड स्पाइनोलैक्टोन देंगे, जीएनआरएच एंड स्पाइनोलैक्टोन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन। ए हिर्सुटी लेडी विथ पी सी ओ डी ट्रीटमेंट, पी सी ओ डी विथ हिर्सुटिज्म के लिए ट्रीटमेंट। ऑप्शन वन एथिल एस्ट्रोल प्लस लिवोनोजेस्ट्रोल, ऑप्शन बी एथिल एस्ट्रोल प्लस डिजोजेस्ट्रेल, ऑप्शन सी लिवोनोजेस्ट्रेल, ऑप्शन डी नन। सो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर बी एथिल एस्ट्रोल प्लस डिजोस्ट्रेल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिर्सुटिज्म, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिर्सुटिज्म। ऑप्शन ए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ऑप्शन बी एरिनोब्लास्टोमा, ऑप्शन सी कुशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन डी कॉन्जिनाइटल एडिनल हाइपरप्लेसिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिर्सुटिज्म, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिर्सुटिज्म। राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिर्सुटिज्म इन ए टीनेज गर्ल, टीनेज गर्ल के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिर्सुटिज्म, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिर्सुटिज्म इन टीनेज गर्ल। सो राइट आंसर ए, ओवेरियन डिजीज इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिर्सुटिज्म इन टीनेज गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एटीन, 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 क्वेश्चन नंबर एटीन। ए सिक्सटीन ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंट विद रैपिड ऑनसेट हिर्सुटिज्म एंड एमनोरिया, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन वन टेस्टोस्टेरोन एस्टिमेशन, ऑप्शन बी डाइहाइड्रो एपिनियोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी एड्रेनोकोर्टिसोन्स, ऑप्शन डी एलएच एफएसएच। सो राइट आंसर इज ए टेस्टोस्टेरोन एस्टिमेशन, टेस्टोस्टेरोन एस्टिमेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।